एंड द ब्लूमिंग टेल्स। आज एक बहुत ही प्यारे से प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं। उमेश भाई जी, इंग्लिश आईवी एक क्रीपिंग प्लांट है और ये यूरोपियन और पार्ट्स ऑफ रशिया से बिलोंग करता है। इसे एज अ ग्राउंड कवर, हैंगिंग प्लांट, एज अ क्रीपर ग्रो किया जाता है। बहुत ही अलग अलग टाइप की वेराइटीज में ये प्लांट आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें डार्क ग्रीन कलर है और इसके अंदर कितना प्यारा ग्रीन और वाइट का वेरिएशन है। It's been around 3-4 months since I've started growing this plant और मुझे इसके जो टेक्स्चर है, इसका जो लीव्स का शेप है, उसे देखते ही इससे प्यार हो गया था। कुछ इसकी सक्यूलेंट वेराइटीज भी हैं जिसमें जो लीव है वो फ्लैशी है, थिक है। आप इसे मैक्रामे हैंगर्स में लगा सकते हैं, उसके साथ ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। बहुत ही अच्छा अपने बालकनी या फिर गार्डन को एक प्यारा सा लुक दे सकते हैं। तो अगर इसकी केयर टिप्स की बात करें तो ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। अगर आप इसे अपने बाकी ट्रॉपिकल प्लांट्स के साथ, जैसे कि मॉन्स्टेरा है, एलिका पाम है या फिर रबर प्लांट है, जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं इनके साथ आप इसको रखेंगे तो ये अपने आप एक इसमें ह्यूमिडिटी ये लोग प्लांट्स इकट्ठा होकर जनरेट करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे ग्रो होने में। तो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कूलर चाहिए और लाइट की अगर बात करें तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत अच्छी रहती है इसे थ्राइव करने के लिए। एनवायरमेंट की बात कर ली, लाइट की बात कर ली, अब बचा पानी। तो इसकी जो सॉइल है थोड़ी स्लाइटली, जैसे बाकी जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स को चाहिए होती है, थोड़ी सी स्लाइटली मॉइस्ट सॉइल, तो वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए। और हम वाटरिंग की बात कर रहे थे और हम आ गए सॉइल पर। तो ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। हम किसी एक सिंगल चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर पानी की बात होगी तो मिट्टी की बात होगी भी। तो अगर सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा रुके नहीं, आराम से नीचे से ड्रेन आउट हो जाए इन ड्रेनेज होल्स में से। वाटरिंग की अब बात कर लेते हैं। तो वाटरिंग इसे रेगुलर चाहिए। रेगुलर वाटरिंग से मतलब ये है कि जैसे मैंने आज शाम को पानी डाला तो मैं कल शाम को पानी डालूंगी या फिर परसों शाम को डालूंगी, तो इसी तरह से इन इंटरवल्स में ही पानी डालना चाहिए। इरेगुलर वाटरिंग होती है, जैसे अगर मैंने आज सुबह पानी डाल दिया और कल शाम को डाल रही हूँ, तो उससे क्या है कि पानी देने का जो इंटरवल्स होते हैं वो कभी ज़्यादा लंबा चला गया, कभी छोटा हो गया, तो इसे इरेगुलर वाटरिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी प्लांट बीच में ज़्यादा ड्राई आउट हो जाता है, कभी बीच में ज़्यादा वेट हो जाता है, तो इससे सॉइल रूट्स कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या है भाई, कभी तो पानी दे रहे हो कभी सुखा रहे हो, तो इससे प्लांट की ग्रोथ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा पानी रेगुलरली दीजिए, सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई आउट नहीं होने देना है, हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखना है, सॉगी नहीं होने देना है, लेकिन उसको प्यासा नहीं मरने देना अपने प्लांट को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ इंग्लिश आईवी ग्रो करिए अपने गार्डन में, अपने घर में, और मेरे साथ शेयर करिए अपनी जर्नी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ डू द रिचुअल्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी प्लांटिंग।